हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, टुडे 29 जुलाई 2020, आई एम स्टार्टिंग योर ईवीएस क्लास. एज यू नो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर अबाउट द फैमिली एंड टुडे ऑन पेज नंबर 8 वी विल स्टडी अहेड. इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी टिल अडॉप्शन. यस्टरडे आई टोल्ड यू टिल अडॉप्शन. अडॉप्शन तक कल मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि आपको अडॉप्शन क्या होता है. आगे देखिए, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ. हाउ डू यू फील व्हेन यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली. आप अगर एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो एंड योर मदर गो आउट फॉर 2 or 3 days और आपकी माँ 2-3 दिन तक कहीं बाहर चली जाती हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है, आप सोचो और बताओ. डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, आश्रम, हॉस्टल्स. क्या आपको पता है जो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल्स होते हैं, आश्रम होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं फॉर ऑर्फन्स विद योर टीचर, अनाथों के लिए, जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनके लिए, तो उसके बारे में डिस्कस कीजिए. मेरे साथ ही करने के लिए बोल दिया है ना, टीचर के साथ में. लेकिन अभी तो आप अपने घर पर डिस्कस करना, ठीक है, कि गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल, आश्रम, हॉस्टल होते हैं. नहीं समझ में आए तो फिर मुझे बताना. वैसे बड़ा इजी है, आप जानते भी हैं, सभी बच्चे देखा भी है, सुना भी है आप लोगों ने. तो देखिए आगे पढ़ते हैं. हु इज अलाइक होम. अलाइक होता है एक जैसा दिखाई देना, तो कौन किसके जैसा दिखाई देता है. आपने अपने परिवार में देखा होगा कि हम मम्मा के जैसे दिखाई देते हैं, या पापा के जैसे, या चाचा के जैसे, या मामा के जैसे, या हम किसी, जो भी रिलेटिव्स होते हैं, या तो मम्मा के रिलेटिव्स या पापा के रिलेटिव्स, दोनों में से किसी ना किसी के जैसे हम दिखाई देते हैं, है ना. बोलते हैं ना, आप किस पर गए हो, कि बच्चा पैदा होते ही पूछने लग जाते हैं कि ये किस पर गया है ना. तो वो ही होता है, हु इज अलाइक होम, कौन किसके जैसा दिखाई देता है. संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू देयर मामाज मैरिज. संजना और उसकी बहन पिंकी उसकी मामा की मैरिज यानी शादी में गए विद देयर मदर, अपनी माँ के साथ. देयर मौसी वॉज ऑल्सो केम देयर. मौसी मम्मा की बहन होती है, तो मौसी भी वहाँ पर आई शादी में. शी हैड अ स्मॉल डॉटर इन हर आर्म्स. उनकी गोद में एक छोटी सी बेटी थी. लुक मदर, लुक मदर हाउ ब्यूटीफुल. मम्मा देखो, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ये कितनी सुंदर है. हर नोज इज लाइक नानी, इसका नाक तो बिल्कुल नानी की तरह है. आईज आर लाइक चाचा जी, और इसकी आंखें जो हैं वो चाचा जी की तरह हैं. फेयर कलर इज लाइक ग्रैंड फादर, गोरा रंग दादाजी की तरह है, है ना. हर ब्रदर्स फेस कलर इज वाइटिश, उसके भाई का, भाई के चेहरे का रंग कैसा है, वाइटिश, गेहुआ रंग है. इस तरह से ही हम लोग एक दूसरे से मैच करते हैं, किसकी नाक उसके जैसी है, चेहरा उसका जैसा है, रंग तो उस पे गया है, है ना. फाइंड आउट एंड राइट, खोजो और बताओ. विच आर योर फिजिकल कैरेक्ट्रिक्स मैच टू योर फैमिली मेम्बर. आपके कौन से फिजिकल कैरेक्ट्रिक्स आपके परिवार के सदस्यों से मिलते हैं. राइट इन योर कॉपी. टेबल बनी हुई है, ये आपके बॉडी पार्ट हैं, किससे मैच करते हो आपको राइट करना है. आपका चेहरा किसके जैसा है, आइज किसके जैसी है, नोज किसके जैसे हैं, हेयर किसके जैसे हैं, ईयर किसके जैसे हैं, कलर किसका जैसा है, ठीक है. संजना आस्क्ड टू हर मदर. संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ माँ, अंजलि फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास में जो अंजलि पढ़ती है ना, राइट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, वो लेफ्ट हैंड से लिखती है. बट हर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल. वो राइट हैंड से लिखती है, लेकिन फिर भी उसके हाथ की राइटिंग बहुत अच्छी है. शी इवन गॉट प्राइज फ्रॉम दैट, यहाँ तक कि उसको अपनी लिखावट के लिए प्राइज भी मिला है. आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, वाई डोंट यू राइट फ्रॉम राइट हैंड, कि तुम राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो, कि हम सब तो राइट हैंड से लिखते हैं, तुम राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो. वी ऑल राइट फ्रॉम राइट हैंड, हम सब तो राइट हैंड से लिखते हैं. शी रिप्लाइड, तब उसने जवाब दिया, आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड,
कि मैं तो मेरे सारे ही काम लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई ट्राई टू राइट बाय राइट हैंड बट फेल्ड। मैं राइट हैंड से लिखने की कोशिश करती हूँ लेकिन लिख ही नहीं पाती हूँ। जैसे कि हम लोग राइट हैंड से लिखते हैं और लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करते हैं तो हम भी फेल हो जाते हैं। सो इसी तरह से वो लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड से लिखती है, राइट हैंड से नहीं लिख पाती है। ट्राई टू नो एंड राइट, जानने की कोशिश करो और लिखो। विच ऑफ योर हैबिट टू मैच विच फैमिली मेम्बर ऑफ योर्स, आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपके परिवार के किस सदस्य से मिलती हैं। राइट इन योर कॉपी, अपनी कॉपी के अंदर राइट करो। आपने सुना होगा ना, आपके घर में कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह खाता है, बहुत कम खाता है, ये तो अपने पापा की तरह भिंडी की सब्जी नहीं खाता, मम्मा की तरह से लहसुन नहीं खाता, है ना। तो आपकी जो हैबिट्स हैं वो किस फैमिली मेम्बर से मिलती हैं, आपको क्या करना है, उन्हें राइट करना है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ हैबिट। टॉकिंग स्टाइल किस फैमिली मेंबर से मिलती है, वॉकिंग स्टाइल किससे मिलता है कि ये तो अपने दादाजी की तरह चलता है, होता है ना। ऐसे ही पोस्चर ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग, खड़ा होने बैठने के जो पोस्चर हैं वो किससे मिलते हैं, ये आपको फिल करनी है। ये टेबल्स ऐसे नहीं बता रही हूँ कि बस मेरे को पढ़ाना है और मैं आपको बताती जा रही हूँ आगे, आपको ये फिल करनी है कि आपका किस किसके साथ ये चीज़ें मैच होती हैं, ठीक है। द फिजिकल कैरेक्ट्रिक्स ऑफ चिल्ड्रन मैच टू फिजिकल कैरेक्ट्रिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो इस तरह से जो हमारे शारीरिक गुण होते हैं वो हमारे दादाजी दादी जी या हमारे मम्मा पापा किसी ना किसी के गुण से जरूर मिलते हैं। दीज कैरेक्ट्रिक्स आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्ट्रिक्स। इस तरह से हमारे रिलेटिव से हमारे जो कैरेक्ट्रिक्स हैं, फिजिकल कैरेक्ट्रिक्स हैं, उनका मैच होना क्या कहलाता है, हेरिडिटरी कैरेक्ट्रिक्स। क्या कहलाता है, हेरिडिटरी कैरेक्ट्रिक्स। चिल्ड्रेन गॉट सम ऑफ देयर कैरेक्ट्रिक्स बाय द नियर एटमोसफेयर विच आर नॉट हेरिडिकल। बच्चे जो होते हैं उनके जो गुण होते हैं बाय नियर एटमोसफेयर, वो उनके आसपास में जैसा वातावरण होता है ज़्यादातर उस पर डिपेंड करते हैं। विच आर नॉट हेरिडिटिकल, उनमें कोई हेरिडिटरी नहीं होती है, कोई वंशानुगत कोई वो गुण नहीं होते हैं, बल्कि जैसा हमारे आसपास में माहौल होता है वैसे ही गुण हम अडॉप्ट कर लेते हैं। सो लेट्स ट्राई टू नो, जानने की कोशिश करो। हाँ, ग्रेजर जॉन मेंडल नाम है ये, ग्रेजर जॉन मेंडल डिड अ लॉट एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। इन्होंने मटर के पौधे पर बहुत सारे क्या किए, ये जॉर्ज है, ये पूरा ये जॉर्ज है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे। जॉर्ज जॉन मेंडल जो हैं, इन्होंने मटर के पौधे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे एंड गिव द लॉ ऑफ हेरिडिटरी। और इन्होंने वंशानुगत जो गुण होते हैं, वंशानुगत गुणों का इन्होंने नियम बताए कि कैसे वंशानुगत गुण आ जाते हैं। That's why he is called the father of hereditary. इसलिए इनको हेरिडिटरी का फादर कहा जाता है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हेरिडिटरी पर खोज की थी, तो इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट कर करके देखे थे, इन्हीं को हेरिडिटरी फादर कहा जाता है। डॉक्टर हर गोविंद खुराना रोट मैनी पेपर्स फॉर द न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ हेरिडिटी। डॉक्टर हर गोविंद खुराना ने भी हेरिडिटरी पर जो नई नई प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में ये लिखते थे। ही वॉज अवार्डेड बाई नोबेल प्राइज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटी। वंशानुगत क्षेत्र में इन्होंने जो खोज की, जो नई बातें जानी, हमें बताई, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना है और ये जॉर्ज जॉन मेंडल है। पिंकी अंडरस्टैंड दैट वी ह्यूमंस, पिंकी आप समझो, वी ह्यूमंस हम जो इंसान हैं आर अलाइक एज आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता के जैसे होते हैं और अदर फैमिली मेंबर्स या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों के जैसे। बट शी वॉन्ट्स टू नो, लेकिन वो जानना चाहती है दैट इज दिस प्रॉपर्टी
ऑल्सो एग्जिस्ट इन एनिमल. वो जानना चाहती है कि जिस तरह से हमारे अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, क्या जानवरों में भी ऐसा ही होता है. डिस्कस एंड टेल, आप डिस्कस करो आपस में और बताओ. हाउ कैन अ काउ आइडेंटिफाई हर काफ, भाई जैसी गाय होती है वैसे ही उसका बच्चा होता है ना, जानवर है वो, अपने बच्चे को कैसे पहचान लेती है. हाउ कैन योर मदर आइडेंटिफाई यू इन सो मैनी पीपल, आपकी माँ आपको बहुत सारे लोगों में कैसे पहचान लेती है ना. एग्जैक्टली एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एंसेस्टर, एंसेस्टर होते हैं पूर्वज. हर इंसान में अपने पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टीज होती हैं, बट सम प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट टू, कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं. इवन ट्विंस चाइल्ड हैव देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि ट्विंस एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनके पास भी अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं. इससे आगे हम कल स्टडी करेंगे, आज इतना ही. जितना आपको पढ़ाया गया है आज आप उसको अच्छे से रीड कीजिएगा. ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे.